हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साड़ी से शरारा बनाएंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी हमारी साड़ी है, आधे पोर्शन में ऐसा इसका वर्क है और आधा पोर्शन अलग कलर का है। तो साड़ी के दोनों पार्ट को हम काट के अलग कर लेंगे। इसके आधे पोर्शन से हम शरारा बनाएंगे और ग्रीन वाले पोर्शन से मैं कुर्ती बनाऊंगी। अभी साड़ी के स्टार्टिंग में हमारा इतना पोर्शन प्लेन होता है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमारे पास ये पूरा वर्क वाला पोर्शन बच गया है, तो इसको हम फोर फोल्ड कर लेंगे। शरारा हम दो पार्ट में बनाते हैं, तो पहले ऊपर वाले पोर्शन को हम अस्तर पे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर अस्तर लिया है, ऐसे इसके लेंथ है और ऐसे इसके विड्थ है। विड्थ वाइज मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे मेरे अस्तर की विड्थ 14 इंच है। अब अस्तर को हम जितना हमें अपर पार्ट लगता है उतना फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। यहाँ पे फोल्ड करने के लिए जितने भी हमारी अपर पार्ट की लेंथ है, उसमें बेल्ट के लिए और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखकर कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने 20.5 इंच लेके कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच बेल्ट के लिए रखेंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बेल्ट वाला पोर्शन छोड़कर यहाँ से हम अपने लेंथ लेंगे। यहाँ पे मेरे शरारा की फुल लेंथ है 40 इंच, तो मैं अपर पार्ट 18 इंच का रखूंगी और आधा इंच ये हमारा सिलाई के लिए जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे लेंथ 20.5 इंच ली थी। अगर आपके शरारा की लेंथ कम है तो आप अपर पार्ट 16 या 17 इंच का भी रख सकते हो। इसके नीचे हमारा दूसरा पार्ट जॉइंट होगा। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए भी हमें हिप का ही मेजरमेंट चाहिए, तो जितने भी हमारी हिप साइज है उसका यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लूजिंग के लिए रखना है। तो मेरी हिप साइज यहाँ पे 46 इंच है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे 14 इंच आता है। अब हम यहाँ पे आसन का मार्क लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें आसन का चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे आता है 14.5 इंच। अब जितना हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था सेम उतना ही हमें यहाँ पे रखना है। ये हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉच एरिया के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मेरे हिप साइज हेवी है, इसलिए 3 इंच रखना है। अगर आपकी हिप साइज कम है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच तक भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम थाई का मेजरमेंट लेंगे। मेरी थाई साइज है यहाँ पे 27 इंच, उसका हमें हाफ लेना है प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है और आधा इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है, तो उस हिसाब से ये पूरा मेरा 15 इंच आता है। इस दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। अब ये वाला पोर्शन मेरा जॉइंट है, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम नीचे का फ्लेयर कट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे साड़ी को फोर फोल्ड करके रखा है। नीचे के फ्लेयर की लेंथ हमें 22 इंच चाहिए। जितनी भी हमारी शरारा की फुल लेंथ है उस नंबर को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। मेरी फुल लेंथ यहाँ पे 40 इंच है, तो नीचे से हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है जो हम फोल्डिंग के लिए रखते हैं। ये बॉर्डर ऐसे ही हमारे नीचे आएगी। मेजरमेंट टेप को ऐसा सीधा रखेंगे। हमने ऊपर के पोर्शन की लेंथ ली है 18 इंच, तो यहाँ पे 18 इंच पर मार्क कर लेंगे और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ सिलाई के लिए रखना है। यहाँ पे हमें नीचे की फ्लेयर की लेंथ 22 मिल जाएगी। ये सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे एक पोर्शन हमारा जॉइंट है, इसको भी हम कट कर लेंगे। अगर आपकी लेंथ कम है तो यहाँ से बराबर आपका ऊपर का पोर्शन निकल जाएगा। साड़ी सिल्की होती है, इसलिए यहाँ पे कट करने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, तो मुझे यहाँ पे एक पोर्शन में ऊपर की साइड में जॉइंट देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप बराबर से कट करोगे तो ऊपर का पोर्शन आपका कट टू कट निकल आएगा। ये हमारे नीचे के दो पार्ट है। अब हम नीचे के लिए अस्तर कट कर लेंगे।
यहाँ पे इसकी लेंथ लूंगी मैं 20 इंच, जितनी हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे 1.5 से 2 इंच कम ही रखना है। नीचे की साइड में मेरी यहाँ पे बॉर्डर है तो मैं फोल्डिंग का एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। ऊपर से यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये रेडी अस्तर हमारा 19.5 इंच आएगा। विड्थ में 21 इंच है। ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, अगर ओपन करें तो 42 इंच विड्थ आएगी इसकी। ऐसे हमारे दो पैर के लिए दो अस्तर आएंगे। ये साड़ी का हमारा अंदर का कटा हुआ पोर्शन है, इससे हम ऊपर का एक साइड का पोर्शन निकाल लेंगे। इस कपड़े में एक ही साइड का पोर्शन हमारा निकलेगा, दूसरा पोर्शन हम साड़ी का ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है उससे निकाल लेंगे। तो इस वाले पोर्शन में हमारा थोड़ा सा ऊपर के साइड में जॉइंट आएगा। यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को ऐसा साथ में रखकर उसको अटैच कर लेंगे। साड़ी का कपड़ा सिल्की है इसलिए हम इसको पहले पिन लगा लेंगे और अब इस पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, दूसरे पार्ट पर भी मैंने ऐसी सिलाई लगा ली है। यहाँ पे ऐसा मेरा जॉइंट आया है, ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पे फोल्ड होके अंदर के साइड में जाएगा। अब नीचे की साइड में हम यहाँ पे ऐसा इसको गैदर कर लेंगे। यहाँ पे आप छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हो। ये वाले पोर्शन में हमें इतनी गैदर बनानी है जितना कि हमारा ये पोर्शन है, इतने ही प्लेट्स हमें यहाँ पे बनानी है। अस्तर को भी हमें ऐसा गैदर कर लेना है। अब अस्तर को और मेन फैब्रिक को साथ में जोड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो साड़ी का बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं ये छोटी वाली लेस निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो यहाँ पे मैंने लेस निकाली थी उस लेस को इस जॉइंट के ऊपर हम ऐसा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ऐसे मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब इस पार्ट को हम ऐसे उल्टा रखेंगे, इसके आसन में हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारा इलास्टिक आएगा, इलास्टिक के लिए हमें ऐसा फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें इलास्टिक के लिए जितने भी हमारे वेस्ट साइज है उससे 7 to 8 इंच हमें कम इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच इलास्टिक लिया। यहाँ पे मैं इलास्टिक को दूसरी तरीके से स्टिच कर रही हूँ इसलिए मैंने पहले इलास्टिक पर सिलाई लगा ली। आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़कर इलास्टिक को हम ऐसा रखेंगे। अब हमें ऐसा फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें किनारे से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, कपड़े के किनारे से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलास्टिक अटैच कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। अब हम इसको स्ट्रेच करके ऐसा इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इलास्टिक के ऊपर दो सिलाई लगाई है तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब हम इसको ऐसा पकड़ के सीधा कर लेंगे। अब हमें नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। हमें एंड तक सब कपड़े पर एक साथ सिलाई नहीं लगानी है, इस वाले जॉइंट से नीचे 4 इंच तक हमें साथ में सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें यहाँ तक सब कपड़े को साथ में लेकर सिलाई लगानी है और इसके बाद अस्तर को अस्तर के साथ मिलाकर और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाकर सिलाई लगानी है। जैसे मैंने बताया वैसा हमें पूरा ये पोर्शन स्टिच कर लेना है।
अब इसका हम फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।